मोहित से, क्योंकि मोहित ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो भी देता है। मोहित, बहुत सारे एक दो दुकान वालों ने भी हमारे जो एक दो वीडियो डाले एसर टेलीकॉम में अच्छी ब्रांडिंग फोटो डाल के पेक करके, तो क्या लगता है वो वाकई में वो सही है जो बोल भी नहीं पा रहे अपने वीडियो में, प्रेजेंट भी नहीं कर पा रहे, ना उनको जानते हैं ना वो हमें जानते हैं, फिर भी वो पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, बताइए उनके बारे में। सर वो उनका क्या बताऊं कि वो यहाँ पे कभी आए भी नहीं, आए भी कभी नहीं आए, कल हम उनको जानते ही नहीं है, सच बताइए। उनके वीडियो में भी बोलते हैं ईर्ष्या वाली बात हो जाती है, बिल्कुल वो जलने वाली बात होती है, क्योंकि वो आपका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता है, इंडिया में कोई नहीं कर सकता, बाहर भी कोई नहीं कर सकता आपके नॉलेज का मुकाबला। तो पूछना चाहता हूँ, बताओ आप में से किस किस को रिबॉलिंग आती है, बताइए यहाँ पे सबने रिबॉलिंग की है, देखो सब कर सकते हैं बैच के स्टूडेंट को, जो कि इनको पहले भी नहीं पता था कि आपको हमने दो चीज ऐड करवा दी है, मैं एक जन से पूछूंगा वो क्या है, बताओ खड़े होकर। सर एक तो सर ने डबल डेकर ऐड किया था हम सबके लिए, डबल डेकर सीपीयू होएगा, और एक सर जो नैंड प्रोग्रामिंग, और डबल डेकर सीपीयू के लिए बोर्ड को भी कौन दे रहा है बताइए। दिमाग में तो ये कह रहा था कि हो सकता हो फेक वीडियो, बिल्कुल, लेकिन दिल ये कह रहा था कि नहीं अच्छा हो सकता है, तो मैं दिल की सुनी और एसर टेलीकॉम को मैंने ज्वाइन किया, और यहाँ आके वास्तव मुझे लगा कि यहाँ दिल ने जो कहा वो एकदम सच है, और बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, और यहाँ के टीचर वगैरह का सपोर्ट बहुत ही अच्छा है, तो बहुत ही बेस्ट है एसर टेलीकॉम। आपके साथ ही बैकअप सपोर्ट के स्टूडेंट बैठे हुए हैं सर, मुझे ये फॉल्ट फाइंडिंग सीखनी है, ट्रेसिंग सीखनी है, डिस्प्ले में कितने वोल्ट आते हैं, लाइट का क्या क्या आईसी हो सकता है, वो सब सीखने मिला है यहाँ पर। बिल्कुल सर, बिल्कुल मिला है यहाँ पर। जी आर कैसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डीएसओ कैसे चेक किया जाता है, सब कुछ सीखने मिला है यहाँ पर। यहाँ पे वो आपका वीडियो देखा आपने बताया कि एंडलेस मिलता है, जी जी, तो आने के बाद पता चला कि बिल्कुल यहाँ पे रियल में एंडलेस मिलता है। चलो ठीक है, कोई यूपी से आएगा तो क्या बोलोगे मोहम्मद? सर इतना ही कहूँगा कि एशिया टेलीकॉम का अलावा कहीं नहीं जाए, क्योंकि यहाँ आकर आपको वीडियो में तो लगेगा एक दो कहेंगे कि अच्छा नहीं है, यहाँ आकर नॉलेज का पता चलेगा। अच्छा ठीक है, कि नहीं देते हैं सर, यहाँ करवाते ही हमसे हैं। हाँ जी करवाते हैं, समझाते हैं सर, करवाते हैं, बिल्कुल हम लाइव बोर्ड पर अपने खुद। हर दिन यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल क्लास मिलती है कि नहीं मिलती है? एमसी सर जो भी से जोधपुर से, मैं मेरे पास करीब मल्टी ब्रांड के सर्विस सेंटर है, काफी टाइम से मैं इस फील्ड में भी हूँ, लेकिन अब वो जो मैं काम कर रहा था वो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जीरो लेवल पे था, अभी मैं यहाँ जो काम कर रहा हूँ मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। मल्टी ब्रांड के जो आउटर के जो सेट आते हैं मल्टी ब्रांड के, वो भी मैं अच्छे से कर पाऊंगा। पहले मैं सिर्फ ऑथराइज जो हमारे पास सेट आते थे वही सिर्फ स्वैप हम सिर्फ पीसी भी चेंज में समझते थे, सर्विस की नॉलेज ही नहीं थी, हमारा काम सिर्फ यही होता था बस हमें तो पीसी भी चेंज करना है, हम तो इंजीनियर है, पर वहाँ पे हम जीरो थे, और अब लग रहा है कि अब हम कुछ कर पाएंगे। मैं हूँ कई जगह गए, अच्छा जी, वो फीस भी कम ले रहे थे, मगर इस जगह में दो दिन रुका भी जी। उनसे एक दिन मैंने सर्किट का पूछा कि मुझे इसको कंप्यूटर की भी सब कुछ नहीं जी, उन्होंने डायग्राम बना के दे दिया, तो मैंने कहा इस तरह सीखना है तो मैं यूट्यूब से सीख लेता, बिल्कुल, तो मुझे कुछ अच्छा करना था, तो कई दोस्तों से मैंने कहा, तो उसमें एक लड़के ने कहा कि आप एशिया टेलीकॉम के वीडियो देखो, अच्छा, तो मैंने कहा नहीं देखा, तो मैंने देखा, फिर मेरे भैया को बताया, वो प्रिंट टाइप के सब का काम कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम चले जाओ। अच्छा, फीस मेरी उन्होंने ही भरी, क्योंकि मेरे पास पहले नहीं था। बिल्कुल, मैं जब पेरिस में था तो करीबन एक साल पहले से एशिया टेलीकॉम का रिव्यू वीडियो वगैरह सब देखता था, तो वैसे फैमिली मेरा यहाँ पर ही है, मैं वैसे भी इंडिया में सेटल होने वाला था बाद में, तो मैं सोच रहा था कि मैं इंडिया में आने के बाद ही मैं एशिया टेलीकॉम से ज्वाइन करूँगा, क्योंकि उसके रिव्यू में एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करूँगा, और यहाँ पे आने के बाद जो मैंने देखा था उससे बढ़कर कुछ मिला है जी, क्योंकि हर सेक्शन वाइज डीपली नॉलेज दिया जाता है, हर कंपोनेंट के लाइन वगैरह वोल्टेज वगैरह सब कुछ क्लियरली बताया जाता है, सब कुछ डीएसओ बताया कि नहीं बताया? हाँ सर, डीएसओ का जो ये है फ्रीक्वेंसी है, वेरी गुड, वो सब ये सही है कि गलत है, तो मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि तू जा वहाँ पर, जाने के बाद तुमको मालूम हो गया। बिल्कुल, और जब मैं यहाँ पे आया और आके मेरा यहाँ पे हार्डवेयर का सेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है, और मुझे अब लग रहा है कि हाँ मैंने काम को सीखा है, और जो भी मैंने देखा था उससे बेटर हमको मुझे मिला यहाँ ना, जो वीडियो में बार बार बोलते थे एंडलेस क्या होता है सर, अब हमें पता लग गया कि एंडलेस क्या होता है। सर यहाँ पर जो सर है बहुत अच्छा से सिखाते हैं सर, डीपली नॉलेज है यहाँ का सर का। चलिए ठीक है, यहाँ पर सर कोई भी चीज़ हो ना डिटेल से बताई जाती है, और एक एक कंपोनेंट की नॉलेज यहाँ मेरे को प्रॉपर मिली है सर। अच्छा, सिर्फ कंपोनेंट की मिली है या सेक्शन वाइज भी मिली है? सेक्शन वाइज भी बहुत अच्छा है सर। अनूपपुर से जोधपुर क्यों सर? मुझे मोबाइल
बनाना सीखना था। आप पहले कुछ करते थे ज्ञान से? नहीं सर, कुछ नहीं करते थे। तो ज्ञान से अभी कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। आपने लाइट से पावर इसे निकाल के लगाई आपने? तो आपने जब जो वीडियो में दिखाते हैं वो मिलता है कि नहीं मिलता है? उससे ऊपर मिलता है। और देवता अग्रवाल, देवता अग्रवाल का नॉलेज कैसा है? बहुत अच्छा है। नहीं मिलना है? अच्छा, कहीं नहीं मिलना है। तो मुझे ये बताइए कि अगर किसी को यूपी से रेफरेंस देंगे तो क्यों देंगे? नहीं आए तो और कहीं नहीं जाए। कहीं आए। और उसमें मैंने अपने मोबाइल का रिकॉल करके लगाया ऑन सेट में क्या है। राहुल के लिए जोरदार ताली बजा। के लिए इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। नहीं तो लोग आईसी रिवॉल्व करने में दो दो तीन तीन साल लगा देते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। हर सर्किट का और प्लस आईसी का सर डीपली नॉलेज दिया, डीपली नॉलेज देते हैं। मुझे बताओ कि अगर किसी को छत्तीसगढ़ से बोलना चाहोगे तो क्यों बोलोगे? बोला हाँ सर, यहाँ अगर अच्छे से काम सीखना है और लाइफ में आगे बढ़ना है तो यहाँ ज्वाइन करें और अच्छे से सीख सकते हैं। ओके, आपने कैसे ज्वाइन किया एशिया टेलीकॉम? सर हमारे सर हैं एक और लखनऊ के हैं, उन्होंने बोला कि आप एशिया टेलीकॉम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको प्रॉपर नॉलेज पूरा मिलेगा। अच्छा, मतलब आपको रेफरेंस मिला? जी सर। तो आप उनकी बात मानकर आ गए। अब आप जब आपके सर से बात होती है कि आप सीख रहे कि नहीं सीख रहे तो आप क्या बोलते हैं उनको? सर उनसे बात करें बहुत खुशी होती है क्योंकि वो जानकारी जो दिए है बहुत अच्छी दिए हैं। पहला जो जदीप था और अब जदीप में कितना अंतर? बहुत फर्क है सर। पहले तो मैं मोबाइल ठीक तरह से खोल भी नहीं सकता, थोड़ा माइक स्पीकर ये सब लगा लेता था। अभी मैं लाइफ मोबाइल से आईसी लगा के आप बहुत अच्छे से सर्किट नॉलेज भी समझ रहे हैं। जितना हम डिग्री लेवल पे आपको सिखाते हैं उतना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत अंतर है, बहुत कुछ सीखने को मिला विनोद। सो विनोद, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यूपी से कोई नया बच्चा आए तो क्यों आए, बताओ? बिल्कुल सर, यहीं पर क्योंकि इतनी डिग्री नॉलेज कहीं नहीं मिलती सर। कहीं नहीं मिलती है। अच्छा, अच्छा मतलब आपने इसे रेफर किया था तो उसने बोला कि यार रेफरेंस नहीं ले लो बिल्कुल। हाँ। तो एक पॉजिटिव रिव्यू आया। हाँ, मुझे बताओ अब आप क्या बोलते हो, अभी कैसा है? आपने जितना भी अटेंड किया यहाँ पर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, पॉजिटिवली सीखने को मिला है यहाँ पर। कोई नया बंदा महाराष्ट्र से आना चाहे तो क्या बोलोगे? बिंदास आ सकता है। दिल्ली क्यों नहीं गए? लोग तो दिल्ली भागते हैं, जिसको भी सीख रहा है दिल्ली जाता है। आपके मतलब वीडियो काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूं, लेकिन दो तीन जगह से मतलब फीडबैक भी लिया था मैंने, कैसा है, अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे पढ़ाते हैं। उन्होंने भी बताया कि बहुत डिप्ली नॉलेज देते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ा। मुझे एक बार बताओ कि जो टीचर होता है उसका नॉलेज होना जरूरी है कि नहीं है सामने? बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है जो डिग्री भी नहीं किया या कॉलेज भी नहीं किया तो क्या वो टीचर बन सकता है क्या? बन सकता। तो फिर वो टीचर कैसे बन गया? फिर क्या रीजन है वो टीचर बन गया? शॉप से सीखा होगा और उसके बाद में वो। हाँ, तो मतलब मल्टीमीटर चलाना, एक आईसी को निकालना लगाना या एक कंटिन्यूटी बता देने को मोबाइल ट्रेनिंग कहते हैं क्या? जैसे दो और तीन स्टूडेंट बच्चों में मेरे, बताइए क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम कहाँ से? बैंगलोर से। बैंगलोर से, इतने बैंगलोर में इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, फिर यहाँ क्यूँ? सर मैंने तो पहले किसी का वीडियो तो देखा नहीं, आपका फॉलो एक दो साल से कर रहा हूं। अच्छा, आप यूट्यूब को फॉलो कर रहे हैं? जी, से फॉलो करके एक जज्बा आया था। हाँ जी, तो आगे आप जाते हैं? गया हूँ कई जगह गए। अच्छा जी, वो फीस भी कम ले रहे थे मगर ये जगह मैं दो दिन रुका भी जी। उनसे एक दिन मैंने सर्किट का पूछा कि इसको कंपोनेंट की भी सब कुछ नहीं जी, उन्होंने डायग्राम बना के दे दिया। तो मैंने कहा इस तरह सीखना है तो मैं यूट्यूब से सीख लेता। बिल्कुल। तो मुझे कुछ अच्छा करना था तो कई दोस्तों से मैंने कहा, तो उसमें एक लड़के ने कहा कि आप एशिया टेलीकॉम के वीडियो देखियो। अच्छा। तो मैंने कहा कि नहीं देखा, तो मैंने देखा, फिर मेरे भैया को बताया, वो प्रिंट टाइप के सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम चले जाओ। अच्छा। और फीस मेरी उन्होंने ही भरी क्योंकि मेरे पास पहले नहीं था। बिल्कुल। एक बार कहना चाहते हैं कोई इस काम से जीरो से हीरो बनना चाहिए तो यहाँ पर आया। थैंक यू वेरी मच। सर ने हमको बैकअप के लिए आपके सामने, आप सब लोग देख रहे हैं, हम लोग आए हैं और हमें बैकअप भी मिल रहा है और ऐसे वैसे नहीं, फुल सपोर्ट के साथ मिल रहा है। तो इस चीज़ से मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर कोई दिक्कत है तो हमारा ऐसे टेलीकॉम जिंदाबाद है हम सब लोगों के लिए, कोई कमी नहीं है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच सुनील, थैंक यू। मतलब जमीन आसमान का फर्क है सर, वहाँ पे बेसिक जो यहाँ पे जो बेसिक बेस है जो यहाँ का बहुत अच्छा है सर। मतलब डीपली सिखाया जाता है, एक एक बोल की जानकारी दी जाती है। बाकी मैं गया हूँ दो इंस्टीट्यूट में, मतलब एक दिन रुका हूँ बाकी रुका हूँ,
तो इधर ये नहीं कंप्यूटर की तो बेसिक तो एडवांस भी नहीं है उधर इतना वो नहीं ज्यादा वो नहीं है इतना जितना एशिया टेलीकॉम में ना डेडिकेशन है डेडिकेशन बिल्कुल नहीं है। देखो डिसिप्लिन एक होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो एशिया टेलीकॉम में मिलता है वो कोई आप देखो कोई फ्रेंड की तरह नहीं सिखा सकता काम मतलब तो कोई भी हो बिल्कुल फ्रेंड के तौर पे नहीं सिखाया जाता है कंधे पे हाथ डाल के सिखाया नहीं जा सकता। मैंने पहले बोला पर अब आखिरी का मैं आपको बताना चाहता हूँ थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए और थैंक यू वेरी मच इनका आउटपुट देखने के लिए। यहाँ पे बहुत मेहनत की है दोस्तों हमने और अगर आपको यही चीज चाहिए आपको चाहिए कि या आप सीख नहीं पाए कहीं पे या आपको लगता है आप फ्रेशर है या आपको लगता है कि आपको बिल्कुल आपको कि यार मेरी ये फील्ड है ना मैं इसको कभी जिंदगी में नहीं छोड़ूंगा तब आप एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन करना और उसके बाद ही आप यहाँ पे कॉल करना। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। एक बार मेरे साथ बोलो इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट को इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट थैंक यू दोस्तों थैंक यू सो मच।